आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो आईआईटी नीट वगैरह की जो एग्जाम की बात हो रही है वो लगातार प्रोसेस एक चल रहा था, तो उसके अंदर एक ब्रेक थ्रू अभी मिला है उसकी मैं बात करूंगा, जो अभी नई खबर आ रही है उसके बारे में। और अगर उसके आधार पे अगर उसमें कुछ फायदा मिलता है तो डेफिनेटली कंपार्टमेंट वाले बच्चों को भी फर्क पड़ेगा। यूजीसी एग्जाम की भी बात मैं करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला होल्ड के ऊपर रख लिया उन्होंने, तो उसके बारे में क्या होने वाला है। उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ बच्चे यहाँ पे इस पूरे अभियान को खराब करने पे तुले, और एक्चुअल में वो बच्चे नहीं है, वो गुंडे हैं, बदतमीज लोग हैं, तो उनसे थोड़ा सा आप बच के रहिए, क्योंकि उनका एक मकसद होता है। उसी दीसी बात है, अगर उनके मन की कोई बात नहीं करे, अगर मैं कहूँ हाँ कंपार्टमेंट कैंसिल होगा अभी, मतलब एग्जाम नहीं होंगे, तो वो बहुत खुश होंगे, वो आपको बहुत एकदम से अच्छा अच्छा बोलेंगे, वो आपके लव यू बोलेंगे। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि नहीं, मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम हो सकता है, जब मैं ये बात कोई भी बात कहता हूँ तो मैं अपने मन की या मैं घर में बना के नहीं कहता हूँ, मैं किसी को, मैं पहले भी बात लगातार मैं कहता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मैसेज दे रहा हूँ जो मेरे को अपने सोर्सेज से मिलते हैं, जो मैं चारों तरफ से अपना रिसर्च करता हूँ, चारों तरफ देखता हूँ, और जो चीज़ें मेरे सोर्सेज जो बताते हैं, और सोर्सेज मेरे जो भी हैं वो अच्छी पोस्टों के ऊपर और अच्छी जगहों के रिलेट करते हैं, वो उन रिसोर्सेज को वो देख रहे हैं, उन चीज़ों को वो देख रहे हैं जो बताने, वहीं से मैं बात लेके आता हूँ, जो बात होती है वो लगभग क्लियर होती है। अपनी बात में कोई भी नहीं बताता हूँ, देख करके ही बताता हूँ, जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो बताता हूँ। तो इसके अंदर अगर आप, और दूसरी बात ये है कि मैं जो लोग बदतमीज हैं उनके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, मत देखिए, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, ठीक है, मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो रियल स्टूडेंट हैं, जो जानना चाहते हैं और नॉलेज चाहते हैं एक्चुअल में क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वही देखें, बाकी देखने की कोई जरूरत नहीं है। और फालतू अगर बकवास करेंगे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसको डिलीट कर दूंगा एक सेकंड के अंदर, इट्स ओके, यू कैन डू नाउ। जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए मैं अभी एक खुशखबरी में लेके आया हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले लोगों ने काफी, मतलब जो स्टूडेंट थे या स्टूडेंट यूनियन थी, उन्होंने उनसे बात करी थी, और आप लोग जानते हो वेल नोन लीडर है भारतीय जनता पार्टी का, और वो काफी मतलब मुखर हैं, वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करते। तो पहले तो उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन अब जब बार बार उनसे अप्रोच किया गया तो वो अब होम मिनिस्ट्री से मुलाकात उन्होंने करी है, और शायद जहां तक मेरी अभी जो नॉलेज आ रही है, न्यूज आ रही है, वो एक मीटिंग वहां पे चल रही है होम मिनिस्ट्री के अंदर, वहां पे नीट और आईआईटी जे के बारे में बात होगी, तो उस विषय में बात हो रही है कि उसको क्या करना चाहिए, कोशिश ये करी जा रही है कि दिवाली के बाद वो एग्जाम हो। तो अगर वो ऐसे पोस्टपोन होता है तो बाकी चीजें भी पोस्टपोन हो सकती है या कैंसिल हो सकती है। अब यहां तक बात आ रही है कि अभी तक की जो पोजीशन थी वो एनटीए बिल्कुल तैयारी कर चुका था आईआईटी के एग्जाम की, नीट के एग्जाम की, सारे की जो प्रोसेस थी वो उन्होंने चालू कर दी थी, सब चीज सेंटर वगैरह चालू कर दिया था। हाँ, उन्होंने ये बात भी बोली थी कि हम, मतलब जो भी काम कर रहे हैं, मैं अभी आपको ये क्लियर बता दूं, अभी तक जो भी डिसीजन लिए गए हैं सुप्रीम, पहले भी मैं बताता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिए हैं या जो सीबीएसई बोर्ड ने जो लिए, यूजीसी ने जो लिए, एनटीए ने जो डिसीजन लिए, नॉर्मली ये ऑटोनोमस बॉडी होती है, पहले अपने आप खुद ही अपना डिसीजन लेते थे, लेकिन अब की बार स्पेशल कोविड पोजीशन में उन्होंने अकेले कोई भी डिसीजन लिया नहीं लिया है। और मेरे जो हाईएस्ट सोर्सेज होते हैं इन बॉडीज के अंदर हैं, उन्होंने मेरे को ये बताया है कि अब की बार जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सेंटर गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री और एमएचआरडी से पूछ करके एक एक चीज डिस्कशन के बाद जो डिसीजन हो रहे हैं, जो भी सीबीएसई कंपार्टमेंट का अगर सीबीएसई दे रही है तो होम मिनिस्ट्री की उसके अंदर हाँ है, सुप्रीम कोर्ट की उसके अंदर हाँ है, एमएचआरडी की, होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी हाँ है। तो जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि लोअर लेवल से या सीबीएसई ले रही है, ऐसा नहीं है, ऊपर से नीचे तक सब लोगों की हाँ होने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जा रहा है। और इन डिसीजन को ओनली उन्होंने मेरे को ये बताया कि सिर्फ अभी बाकी देखो कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारियां लगातार चल रही है, नीट और जेई की तैयारियां चल रही है, उनमें सिर्फ रुक सकती हैं तो वो सिर्फ रुक सकती हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, और सुप्रीम कोर्ट अगर आपके फेवर में डिसीजन देता है तो वो सारी चीजें कैंसिल भी हो सकती हैं, पोस्टपोन भी हो सकती हैं, लेकिन उसके बिना एग्जाम कॉन्टिन्यूसली प्रिपरेशन एग्जाम की चल रही है, यह आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और मैं कोई भी बात आपको ऐसी नहीं बताता हूँ जो कि मैं, जिसके बारे में पूरा कन्फर्म नहीं होता, तो जो भी अभी मैं बात आपको बता रहा हूँ, अभी होम मिनिस्ट्री में मीटिंग चल रही है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, हो सकता है उससे कोई नतीजा निकले और कुछ आपको राहत मिले। तो ये चीजें अभी तक की जो हैं, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग ये कर देंगे, हम लोग, जब यार मैं अगर चार वीडियो दिन में बना रहा हूं उसके बाद मेरे पास टाइम कहां मिलता है अपील करने का और बाकी कुछ करने का। तो कोई भी आदमी अगर ये कह रहा है हम ये कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आप ध्यान रखिए कहां पे,
कोर्ट के डिसीजन के ऊपर एक निगाह रखिए, सीबीएसई की वेबसाइट पे एक निगाह रखिए, अगर कोई भी पॉजिटिव डिसीजन आएगा तो वहां पे आएगा, और लगातार आप लोग प्रेशर बनाए रखें, बनाए रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।